guys, assalamu alaikum. I hope your roza is going well. Just want to talk about a few things. Firstly, thank you all for so much love and support on my post, and it makes me very, very happy seeing people embracing their skin, being so positive about certain things, such things especially. So it makes me very, very happy. So thank you all for everything. Secondly, I would like to talk about something that has been bothering me a little. So trolling and bullying, cyberbullying is not okay. Like, it's just downright not right. So I really don't appreciate that ki mujhe koi kare ya kisi aur ko kare. To pehle ye establish kar lete hain ki karna galat baat hai, nahi hota. Aur mujhe pata hai aise log hain mere comment section mein, main dekhti hu aise followers hain jo agle ko sikha rahe hote hain. जो अगलों को सिखा रहे होते हैं कि गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए. सो थैंक यू ऑल जो करता है ये चीज़. मैंने सिर्फ ये बात करनी है कि इट्स नॉट ओके, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड दैट यू माय फैन, आई लव यू लॉट. इफ यू फॉलो मी, आई हैव इमेंस लव फॉर यू, रिस्पेक्ट फॉर यू. इफ यू स्टैंड विद मी, थैंक यू वेरी मच. बट इफ यू गोना गो अहेड एंड बैश समबडी ऑन देयर लुक्स, ऑन देयर कलर, any feature on my behalf, that's something I'm not going to appreciate. Because dekhen, agar aap mere saath khade ho rahe hain aur aap skin positivity ki baat kar rahe hain, aap ek positive baat kar rahe hain, aap achhai dikha rahe hain, logon ko keh rahe hain embrace yourself, embrace your any feature that you consider a flaw, to aap kisi aur ko jaake wahi galat baatein kaise kar sakte hain? Aap mujhe unhi baaton se defend kar rahe hain aur kisi ko jaake wahi baatein suna rahe hain. तो बस ये कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसे मत करें. अगर आपको कोई ओपिनियन देना है अपना, कोई बात करनी है, कोई बात किसी की बुरी लगी है, तो आप अच्छे अल्फाज में एक एजुकेटेड इंसान की तरह जाके आप आराम से बात लिखें समझाने के लिए. लेकिन अगले को गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल करके या गालियाँ देकर किसी को कुछ आप समझा नहीं सकते हैं. इससे सिर्फ लड़ाई बनेगी, बैड टेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा. और मैं नहीं चाहती कि एनीबडी हु स्टैंड्स फॉर मी शुड बी डूइंग समथिंग लाइक दिस, बिकॉज देन. और अगर मैं नहीं रोकूंगी अपने फैंस को, बिकॉज आई टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग, इफ आई डोंट स्टॉप माय ओन फैंस फ्रॉम बीइंग नेगेटिव इन ऑन एनीबडी एल्सेस पोस्ट, या किसी और के कॉमेंट सेक्शन में अगर वो नेगेटिव होना, अगर मैं नहीं रोकूंगी तो मैं काफ़ी हिपोक्रिटिकल हो जाऊँगी. हाँ, तो मैं हिपोक्रिटिकल नहीं होना चाहती. इफ़ आई एम गोइंग टू प्रीच समथिंग, आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्रैक्टिस इट, ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग सुनते हैं, वो ये ना कभी कहें कि बोलती तो ये है और करती कुछ और है. सो नॉट टू ऑफेंड एनी बडी, किसी को मैं हर्ट नहीं करना चाहती. जिसने भी कुछ ऐसा लिखा होगा आगे से, अभी चले इंसान है, हम गलतियाँ करते हैं, जो भी होता है, लेकिन आगे से प्लीज़ ख्याल कीजिएगा.